1963 में एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया और 1967 में इसे पारित किया गया, UAPA। आज वो एक्ट एक तर्क का विषय है। इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और 2019 में इसमें क्या संशोधन यानी अमेंडमेंट्स लाया गया, आज की इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। आज की तारीख में UAPA, जिसे अरुणाचल प्रदेश में अपवापा के नाम से जाना जाता है, वो एक गर्माता मुद्दा है। हम इस वीडियो में इसी UAPA के संदर्भ में बात करेंगे। इस वीडियो को हम दो भागों में बांटेंगे। आज का एपिसोड UAPA के इतिहास से जुड़ा होगा, जहां मैं आपको इसके जन्म से लेकर आज तक की इसकी पोजीशन को बताऊंगा, और अगले एपिसोड में हम आपको इसके अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य में जरूरत के साथ साथ इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ है, जो बातें हो रही है, जो डिस्कशन चल रही है, उन सब के बारे बताएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मेरे कई वेलविशर्स सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि मैं हमेशा बीच का रास्ता चुनता हूं, मतलब अगर मैं किसी इशू पर बात करता हूं तो एक तरफ नहीं बल्कि दोनों ही पक्ष को लेकर टॉपिक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता हूं। दरअसल आप पर्सनली सही भी हो। सही इसलिए क्योंकि मैं हमेशा सोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहता हूं, ना कि प्रॉब्लम का। मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता। दूसरी बात, मैं अपने आप को उस लायक नहीं मानता कि मैं किसी भी इशू को सीधा गलत या सही कहूं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको फैक्ट से वाकिफ करवाऊं। इसके बाद किसी भी मुद्दे को सही या गलत ठहराना मैं आपके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ता हूं। तो ये कहते हुए चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, एक ऐसा कानून जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कुछ ऐसे स्पेशल पावर्स एंडोर्स करते हैं, कुछ ऐसे पावर्स स्पेशल पावर्स देती है जो उन्हें अनप्रेसिडेंटेड और अर्जेंट सिचुएशन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में उनकी मदद करती है। तो इसका जन्म कैसे हुआ, हमारे देश के कानून बनाने वालों को इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? दरअसल 1947 के पार्टीशन के बाद भारत को द यूनियन ऑफ इंडिया बनाने से पहले कई राज्य भारत से अलग होना चाहते थे, कुछ तो जुड़ना ही नहीं चाहते थे। ऊपर से जैसे कि आपको पता है, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक तरह के जाति धर्म के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ हर क्षेत्र की अपनी अलग अलग पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ की अपनी अलग पहचान, अपनी अलग एफिनिटी है, उसी तरह साउथ, ईस्ट और वेस्ट की अपनी अलग। नॉर्थ ईस्ट की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, ये खुद ही एक मिनी इंडिया है। ऊपर से हमारा समाज, हमारा भारतीय समाज कास्टिज्म जैसे सोशल इविल से भी इन्फेस्टेड है। इन वॉलेटाइल इश्यूज से हमारे देश की संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी और अखंडता यानी इंटीग्रिटी को खतरा रहता है। तो इस बात को कंसिडर करते हुए सरकार की एक काउंसिल, द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक कमेटी तैयार की, एक कमेटी सेटअप की, कमेटी ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलाइजेशन। इस कमेटी का काम था कि यह भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी की रक्षित इसे रक्षा करे, इसकी रक्षा करे, इसे प्रोटेक्ट करे। इस आधार पर इन्होंने सन 1963 में इस कमेटी के रिकमेंडेशन के मुताबिक एक कानून पारित किया, अकॉर्डिंग टू द 16th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये संशोधन, ये अमेंडमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आर्टिकल 19 में दिए गए कुछ फंडामेंटल राइट्स पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, इंक्लूडिंग आर्टिकल 21, स्पेशली राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 के प्रोविजंस के, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एंड राइट टू फॉर्म यूनियंस एंड एसोसिएशंस। अब इस कानून में क्या आता है और ये किस तरह से हमारे देश के मौजूदा कानून से अलग है? वैसे तो हमारे देश में अलग अलग क्राइम्स के लिए इनके खिलाफ पहले से अलग अलग कई तरह के कानून हैं, लेकिन इन कानूनों में अपनी अपनी खामियां हैं, लूप होल्स हैं, और इसके चलते कई बार गुनहगार कानून की गिरफ्त से आसानी से छूट जाते हैं। तो लॉ इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज को UAPA के कानून के तहत काफ़ी छूट मिल जाती है। UAPA को और मजबूत करने के लिए इसमें कई बार अमेंडमेंट्स भी लाए गए। इस एक्ट को दरअसल 30 दिसंबर 1967 में प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था, फिर 1969, 1972, 1986, 2004, 2008, 2012 और लेटेस्ट 2019 में इसमें अमेंडमेंट्स लाए गए। एक्चुअली 1967 का जो बंगाल नक्सलबाड़ी इंसिडेंट था, उस साल UAPA को लाने का इमीडिएट कॉज बना और गुजरते वक्त के साथ ये और भी मजबूत होता चला गया। हमारे लिए अच्छा हुआ कि हम इसके इतिहास को और थोड़ा जान लें और अमेंडमेंट्स को समझें जिसने इन्हें इतना मजबूत कर दिया। आपको तादा याद होगा, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दिस वाज ब्रॉट इन द ईयर 1985। इसका मेन पर्पस था, द मेन पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग थादा वाज टू कर्ब द सिख मिलिटेंट्स को कर्ब करना था, और ये 1985 से 1995 तक 10 साल ऑपरेशनल रहा। आपने दादा के बारे एक्टर संजय दत्त के 1993 बॉम्ब ब्लास्ट केस में इन्वॉल्वमेंट पर सुना होगा।
हालांकि कोर्ट ने संजय दत्त को बाद में एक्विट कर दिया था, उन्हें बरी कर दी थी। फिर दादा 1995 में रिपील हो गया। क्रिटिक्स कहते हैं इस एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज हुआ था और ये लोगों की नज़रों में कानून से ज़्यादा भय का चेहरा बन गया था। 2001 में फिर भारत पर एक और आतंकी हमला हुआ, द पार्लियामेंट अटैक। इन द लाइट ऑफ दिस 2002 में पोता को लाया गया, क्योंकि दादा तो था नहीं। पोता मतलब प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। दादा की तरह ही पोता को लाने का भी कारण था भारत में टेररिस्ट एक्टिविटीज को कर्व करना, आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को रोकना। तो दादा की तरह ही पोता भी बाद में हाईली क्रिटिसाइज किया जाने लगा। 2004 के जनरल इलेक्शंस में पोता को रिपील करना कांग्रेस पार्टी का पोल प्रॉमिस था। तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो उन्होंने अपना वादा निभाया और पोता को रिपील कर दिया। इसे बीजेपी ने 26 मार्च 2002 को लागू किया था और कांग्रेस ने इसे 21 सितंबर 2004 को हटा दिया, मतलब रिपील कर दिया। लेकिन क्योंकि दादा पोता जैसे कानून के गैर मौजूदगी में आतंकी गतिविधियों पर लगाम के लिए कोई कानून ना था, इसीलिए उस वक्त की सरकार ने यूएपीए के कानून में अमेंडमेंट्स लाकर इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया, मजबूत बना दिया। या यूँ कह सकते हैं यूएपीए अब दादा और पोता के प्रावधानों से तैयार एक नया कानून था जो पहले से ही अपने में सारे प्रावधान रखते हैं। अब की बार यूएपीए में अनलॉफुल एक्टिविटीज के साथ साथ टेररिस्ट एक्ट और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की डेफिनेशंस में बदलाव लाए गए। इस बार टेररिस्ट गैंग का एक नया कंसेप्ट भी लाया गया। गौर करने वाली बात यह है कि ये सारे जितने भी प्रावधान हैं, ये प्रोविजंस हैं, ये पहले से पोता में मौजूद थे। 2008 में ताज होटल अटैक आपको याद होगा। 2008 के ताज होटल अटैक ने इन एंटी टेरर लॉज में सरकार को और ज्यादा मजबूती लाने पर मजबूर किया। उस अटैक ने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब क्योंकि यूएपीए के अलावा हमारे देश में और कोई एंटी टेरर लॉ नहीं था तो इसकी अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी हो गया था। अभी भी यहाँ इसलिए इतने सारे प्रोविजंस है क्योंकि यूएपीए और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के अलावा हमारे यहाँ और कोई एंटी टेरर लॉ नहीं है। आपने FATF के बारे सुना होगा, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। This is actually a global money laundering and terrorist funding watchdog. ये एक international organization है और आतंकी गतिविधियों से जुड़े financial transactions पर नजर रखती है। देखिए, terrorist funding हर तरह से दुनिया के लिए खतरा है। ये आतंकी हमले का खतरा तो बढ़ाता ही है, साथ ही ये global economy को भी imbalance कर देती है। इसीलिए किसी भी तरह से हमें terrorist funding को रोकना है, इसका हिस्सा हमें बिल्कुल नहीं बनना है और अनजाने में हम बन जाते हैं। पता है, ड्रग्स का कारोबार सीधा टेररिस्ट फंडिंग को बढ़ावा देता है। सो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स। और आज के यूथ होने के नाते आप ये कंट्रीब्यूट कर सकते हो। इंडिया FATF का मेंबर है तो इसकी कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए भारत ने FATF के प्रोविजंस को भी 2012 में UAPA को अमेंड कर यहां इंक्लूड कर दिया। दिस इज मेनली टू कर्व द टेररिस्ट फंडिंग इन द कंट्री। अब 2019 में UAPA का लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ, या टेररिज्म कमिट करने की क्षमता रखने वालों को भी क्लासिफाई कर दिया गया, जैसे वन हु कमिट्स और पार्टिसिपेट्स इन द एक्ट ऑफ टेररिज्म, प्रिपेयर्स फॉर टेररिज्म, प्रमोट्स टेररिज्म और इज अदरवाइज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। यहां आपको याद दिला दूं कि 2019 से पहले UAPA में सिर्फ किसी ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को ही आतंकवादी माना जा सकता था, पर 2019 के अमेंडमेंट के बाद किसी इंडिविजुअल को भी विदाउट एनी असाइंड रीजन टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है, उन्हें आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। नाउ ये कैसा होगा? मतलब है, अगर किसी अथॉरिटी को, खास करके NIA जैसी किसी एजेंसी को लगे कि कुछ ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल किसी भी तरह से देश के लिए खतरा है, तो उस ग्रुप या उस इंडिविजुअल को बिना कोई ठोस सबूत के आतंकवादी घोषित कर सकते हैं। इसके अलावा CRPC में 15 दिन की पुलिस कस्टडी मिलती है, जबकि UAPA में 30 दिन की। जहां तक जुडिशियल कस्टडी की बात है, CRPC के अनुसार आपको 90 दिन की जुडिशियल कस्टडी मिलती है और UAPA में 180 दिन, पूरा 6 महीना जुडिशियल कस्टडी मिलेगा। इसके अलावा NIA द्वारा एक्यूज्ड की प्रॉपर्टी भी सीज की जा सकती है। बिसाइड्स दिस, UAPA के अंदर गिरफ्तार किसी भी शख्स को बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है। नॉर्मली इट इज इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, लेकिन ये मैक्सिम यहां अप्लाई नहीं करता। If you are once booked under UAPA, the burden of proof lies on the agency. Court आपको सीधा FIR के आधार पर गिल्टी मानेगी। हर उस नियम की तरह इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं और अपने लिए इसलिए बहुत सारे क्रिटिसिज्म अट्रैक्ट करती है। इसकी क्रिटिसिज्म में लोग इसे इस कानून को ड्रेकोनियन बुलाते हैं, मतलब बेरहम कठोर। इसमें गिल्टी पाए जाने पर किसी को उम्र कैद की सजा से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है।
अभी यूएपीए के आधार पर पुलिस चाहे तो किसी भी मूवमेंट को, चाहे वो ग्रुप हो या इंडिविजुअल हो, उसे टेररिस्ट एक्ट करार दे सकती है, चाहे वो पॉलिटिकल मूवमेंट ही क्यों ना हो। और बिना कोई चार्जशीट के आप 6 महीने बड़े आराम से जेल में बिता सकते हो। यूएपीए के तहत किसी को भी उनके स्पीच के लिए टेररिस्ट करार दिया जा सकता है। मतलब अगर कोई ये भी कह दे कि ये फलाना पॉलिसी ठीक नहीं है, या आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हो, उसके खिलाफ बोल रहे हो, तो भी इसे एंटी नेशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ये पर हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को कंट्राडिक्ट करता है। जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, इससे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 दोनों का ही इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। आर्टिकल 19 गिव्स अस राइट टू फ्रीडम एंड आर्टिकल 21 गिव्स अस द राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और सिविल सोसाइटी से भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन के लिए ये कानून हाईली क्रिटिसाइज्ड हैं। इसके अलावा यूएपीए के तहत जो गिरफ्तारी होती है उनमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। एक आंकड़े के मुताबिक 2016 से लेकर 2020 के बीच 5027 केसेस में 24,134 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन सिर्फ 212 को सजा हुई और 306 से बड़ी हुए, जो इस लोग के आर्बिट्रेटरी होने की संभावना को दर्शाता है। और इससे भी गंभीर बात है कि 97-98% लोग जेल में बिना किसी ट्रायल के रह जाते हैं। एक केस में तो 9 साल जेल में रहने के बाद उसे बाद में इनोसेंट पाया गया। दरअसल यूएपीए खुद कहता है कि इसके कानून के तहत गिरफ्तार हुए लोगों की स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए और इस तरह के केसेस को ट्राई करने के लिए फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल सेटअप किए जाते हैं, और अगर स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ तो इस आधार पर बेल की मांग की जा सकती है। और याद रखिए, यूएपीए के तहत बेल मिलने का सिर्फ यही एक जरिया है, the only chance. Let's look into the merits and demerits of the UAPA. अब क्योंकि यूएपीए बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज्ड है, तो इसके पहले डिमेरिट्स को ही हम समझ लेते हैं। यूएपीए के डिमेरिट्स में सबसे पहला ख्याल जो मेरे मन में आता है वो है, जैसे कि मैंने पहले कहा, द इंफ्रिंजमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि यूएपीए खास करके आर्टिकल 19 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उन फ्रीडम्स को पूरी तरह खारिज कर देता है। आर्टिकल 19 में जितने भी राइट्स दिए गए हैं उनमें से खास करके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये सब राइट्स कर्टेल हो जाते हैं। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच ही अगर कर्टेल कर दिया जाए तो लोग सिस्टम के खिलाफ क्या आवाज उठाएंगे, कैसे आवाज उठाएंगे? यहां तो लोगों की आवाज ही दब जाती है। अब जब लोग कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ बोल नहीं पाएंगे, तो सोसाइटी कैसे प्रोग्रेस करेगी? ये एक रिग्रेसिव सोसाइटी की ओर हमें ले जा सकता है। इसके अलावा पुलिस इसे अपने पर्सनल इश्यूज के लिए भी यूज कर सकती है। अगर किसी पुलिस वाले को किसी से कोई आपसी रंजिश है तो हो सकता है कि वो इसका गलत इस्तेमाल करे, पॉसिबिलिटी इज देयर, और उसके खिलाफ कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, और हमारा समाज एक पुलिस स्टेट की तरह लगने लग जाएगा। इतना ही नहीं, यूएपीए आइडियोलॉजीज को भी क्रिमिनलाइज करने का प्रावधान रखता है। मान लीजिए अगर आप ये भी कह दें कि कोई फलाना ऑर्गेनाइजेशन की, खास करके जो कि एक बैंक ऑर्गेनाइजेशन की सोच, उनकी मांगे सही है, तो भी आप यूएपीए के अंदर बुक किए जा सकते हो। तो एक तरफ से देखा जाए तो आप सिस्टम की खामियों को भी उनके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते। डेमोक्रेसी के वैल्यूज इस तरह कंप्रोमाइज नजर आते हैं। नाउ लेट्स लुक एट इट्स एडवांटेजेस। इसके अपने एडवांटेजेस भी हैं। देखिए, ज्यादातर अंडरवर्ल्ड के लोग बहुत हाई कनेक्शंस के होते हैं, उनके बहुत हाई कनेक्शंस होते हैं। वे कई मौकों में इसलिए नहीं पकड़े जाते क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वे नहीं पकड़े जाए, पर यूएपीए एक ऐसा कानून है जो पुलिस को ऐसी पावर देती है कि इन पर उन लोगों का ज्यादा असर नहीं पड़ता, उन दबाव का असर नहीं पड़ता, और ये ज्यादा फ्रीडम के साथ अपना काम कर सकते हैं। ये एक डिटरेंस भी है। मतलब यूएपीए जैसे सख्त कानून के चलते ऐसे लोग भी कुछ करने से पहले कम से कम 100 बार तो सोचेंगे। तीसरी बात, हमारे सीआरपीसी आईपीसी के प्रावधान में आमतौर पर फॉरेन नेशनल्स को बुक करना इतना आसान नहीं होता, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन यूएपीए के अंदर इंडियंस और फॉरेनर्स दोनों को ही बुक किया जा सकता है अगर किसी पर शक हो तो, एंड देट कुड बी वेरी एडवांटेजियस। तो दोस्तों, ये है यूएपीए के कानून के प्रोविजंस, मेरिट्स और डिमेरिट्स इन ए कंसाइज वे। आई होप इस वीडियो को आपने पसंद किया होगा और काफी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। हमारे अगली वीडियो में मैं यूएपीए पर अपना विचार बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ, साथ ही हम इसे अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में भी देखेंगे, मेरी राय भी सुन लीजिएगा, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।